हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर के रिलीज डेट के बारे में, जो लगभग अब कंफर्म होती नजर आ रही है। लेकिन यार, आखिर सेकंड ट्रेलर इतना डिले क्यों हो रहा है, उसका भी ज्ञान थोड़ा मैं आप सबको दे देता हूँ। तो यार, पिछले कुछ दिनों से ऐसी लीक्स बाहर आ रही है कि सोनी वाले ट्रेलर 2 में टोबी और एंड्रू को दिखाना चाहते हैं, और कुछ उसी तरह का ट्रेलर भी उन्होंने बना कर रखा था, जिसमें ट्रेलर के एंड होने से 15-20 सेकंड पहले हमें एंड्रू गारफील्ड दिखा दिया जाता और ट्रेलर के एकदम फाइनल वाले क्लिप में हमें टोबी मैग्वायर भी दिखा दिया जाता। अब यार, इन बातों में सच्चाई कितनी ये तो मैं आप सबको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि टोबी मैग्वायर का एक सीन होने वाला है ट्रेलर 2 में, जिसमें वो पिज्जा टाइम वाला डायलॉग बोलने वाले हैं। तो यार, आई थिंक कि ये वही ट्रेलर था जिसे सोनी रिलीज करना चाहता था, लेकिन अपने केविन भैया को ये बात जमी नहीं। उन्होंने सोनी से कहा कि इतने बड़े रिवील को हमें सीधा मूवी में ही दिखाना चाहिए, ना कि ट्रेलर में, और इसी बात को लेकर सोनी और डिज्नी में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, और यही रीजन बन गया ट्रेलर 2 के डिले होने का। लेकिन अब ये न्यूज निकल कर आ रही है कि केविन फाइगी की बात सोनी पिक्चर्स ने मान ली है, और अब सेकंड ट्रेलर में टोबी और एंड्रू को एक तरह से टीज किया जाएगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं दिखाया जाएगा। एंड यार, आई पर्सनली थिंक कि ये एकदम सही डिसीजन है। हाँ, ये बात सच है कि हम देखना चाहते हैं टोबी और एंड्रू को ट्रेलर में, लेकिन यार, उनके इंतजार में ही तो मजा है। हमारी हाइप इसलिए तो इतनी बड़ी हुई है क्योंकि हमें लगता है कि टोबी और एंड्रू इस मूवी में होने वाले हैं, और जिस दिन उनके होने की ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, उस दिन हमारी हाइप तो खत्म नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि टोबी और एंड्रू इस पिक्चर में है या नहीं, वो क्यूरियोसिटी जरूर खत्म हो जाएगी। और इसलिए आई थिंक कि ट्रेलर में टोबी और एंड्रू को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, और इस सस्पेंस को फिल्म के रिलीज होने तक बरकरार रहने देना चाहिए, क्योंकि यार, तभी तो आएगा मजा। और यार, वैसे बस इन्हीं सारे रीजंस के वजह से लोग स्पाइडरमैन को एमसीयू में देखना चाहते हैं, क्योंकि मार्वल अपने मूवीज की हाइप बना कर रखता है और सोनी की तरह जज्बात में बहकर पूरी पिक्चर नहीं दिखाता ट्रेलर्स में। दोस्तों, क्या आप लोगों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ट्रेलर देखा है कभी? अगर नहीं देखा तो यार, जाकर देख लो। इलेक्ट्रो जो मेन विलन था मूवी का, उसको दिखाया तो यार समझ आता है, लेकिन यार, उन्होंने हैरी ऑस्बॉर्न के इस अजीब से गॉब्लिन को भी ट्रेलर में ही दिखा दिया, जो मुश्किल से 5 मिनट के लिए था मूवी में, और फिर राइनो भाई साहब जो मुश्किल से 2 मिनट के लिए था पिक्चर में, उसको भी इन सोनी वालों ने ट्रेलर में ही दिखा दिया। और यार, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे हम जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स नहीं थे मार्केट में, वरना हम लोग ये साबित कर देते कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक सिनिस्टर 6 मूवी होने वाली है। 3 विलेंस को हमने ट्रेलर में देख लिया और बाकी 3 को हम मूवी में देख लेंगे। और यार, तब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की जो हालत होती रिलीज के बाद, पब्लिक माफ नहीं करती सोनी को। तो यार, सीधी सी बात यह है कि अगर स्पाइडरमैन नो वे होम अकेली सोनी की पिक्चर होती, तो अब तक हमें दूसरा ट्रेलर भी मिल जाता और साथ में टोबी और एंड्रू भी देखने को मिल जाते। लेकिन दोस्तों, आई थिंक मार्वल इज डूइंग द फैंटास्टिक जॉब हियर कुछ भी रिवील ना करके, क्योंकि यार, यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि यार, इंतजार में ही तो है मजा। तो खैर दोस्तों, अब ट्रेलर 2 के रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। तो अभी जो इनसाइडर्स की तरफ से न्यूज आ रही है वो ये है कि 12 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में हमें दूसरा ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन इन्हीं 5 दिनों के अंदर हमें दूसरा ट्रेलर देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे ज्यादा देर सोनी और मार्वल कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब उन्हें मार्केटिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग भी शुरू हो ही चुकी है। इस बस में आप इस फैन मेड पोस्टर को देख सकते हो, और मूवी का ऑफिशियल पोस्टर भी हमें आने वाले 3-4 दिनों में शायद मिल ही जाएगा, और उसके 3-4 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर भी मिल जाएगा। सो गाइस, अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है इस डेकेड की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होने में। आप लोग अपनी एक्साइटमेंट का प्रदर्शन कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार, पता ही तो है, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।